हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। ओके, तो हम बेसिक क्वेश्चंस से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि वन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की वो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट, दीन ए इलाही जिसने मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की, तो जो दीन ए इलाही की स्थापना वो अकबर ने की थी। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो भक्ति आंदोलन की जो स्थापना की थी वो रामानुज ने की थी। नेक्स्ट, शक संवत की स्थापना किसने की थी? शक संवत की स्थापना जो है वो कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर नाइन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, असहयोग सविनावज्ञा खेड़ा चंपारण नमक भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सारे आंदोलन जो हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन संघ की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रुपया किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपया जो था वो उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो कि साहित्य में उन्हें गीतांजलि में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 25, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग अलग कर दिया जाता है? तो अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो उसकी आंख का कॉर्निया भाग अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल इकाई जो है वो ध्वनि की है, यानी आवाज़ की है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, डायोप्टर इकाई है, डायोप्टर जो इकाई है वो सांकेतिक शक्ति की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है?
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं वो एस राजगोपालाचारी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन हैं? जो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी अब्दुल गफ्फार खान हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हूम बने, जो कि 1885 में मुंबई में बने। क्वेश्चन नंबर 35, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, रॉक वर्क किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉक वर्क जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बिजली के बल्ब में जो गैस भरी होती है वो ऑर्गन गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली ध्वनि फिल्म कौन सी थी? तो भारत में जो पहली ध्वनि फिल्म थी वो आलम आरा थी। क्वेश्चन नंबर 39, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो जो भूदान आंदोलन था वो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कौन सी नदी सुंदर वन डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी जो है वो सुंदर वन डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट, भारत किस देश की सबसे लंबी सीमा को छूता है? तो भारत जो है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा को छूता है। क्वेश्चन नंबर 43, आर्थिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक अर्थशास्त्र है उसका जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, समलैंगिकता के लिए किस वेद में मंत्र है? तो समलैंगिकता के लिए जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद में हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से आया? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से आया था। नेक्स्ट, किस मौर्य राजा को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो जो बिंदुसार राजा थे उनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध शासक को वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली से प्रेम हो गया था? तो जो अजात शत्रु थे उनको वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली से प्रेम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किस मौर्य राजा को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? तो जो बिंदुसार हैं उनको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ब्राह्मण का प्रयोग किस शासक के लिए किया जाता है? तो एक ब्राह्मण का जो प्रयोग किया जाता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।